गाइस, कैसे हैं आप सब भाई? आप सब अच्छे होंगे। तो आप अगर अच्छे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो होने वाली है बाय स्टेबलाइजर पर, जो डीजे में बहुत ही जरूरी है भाई, अनिवार्य है हर डीजे वाले के लिए। तो गाइस, अभी सेट किया जा रहा है ऑटो कट, जो 250 पे सेट किया जा रहा है, 250 पे कट कर देगा। तो आप देख सकते हैं ये कट कर दिया है, अब 250 पे सेट हो चुका है। तो आप गाइस लोग ये देख सकते हैं, ये रहा स्टेबलाइजर हमारा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं 10 किलोवाट का। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये हमारा रहा ट्रांसफार्मर, जो 8 नंबर कोर में बना हुआ है भाई। आप इसको इस पे कम से कम आप पूरा एक छोटा सा सेटअप चला सकते हैं, जो बारात वगैरह में चलाते हैं। इससे आप पूरा लाइट, डीजे, मशीन उशीन वगैरह सब चला सकते हैं स्टेबलाइजर से। ये हमारा रहा रिले, इसी से भाई ऑटो कट होता है। और ये हमारा रहा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर इसलिए लगाया जाता है। ये हमारी रही प्लेट, प्लेट से क्या होता है कि आप 200 पे चाह रहे हैं इसको, मतलब ऑटो कट हो जाए, इससे करंट ज़्यादा हमको नहीं चाहिए 200 से ज़्यादा। तो ये भाई 200 पे कट कर देगा, 250 सेट करते हैं 250 पे कट कर देगा। और इसी के जस्ट आप बगल सकते हैं, ये हमारा देख सकते हैं मीटर है, और इसी के जस्ट बगल आप देख सकते हैं ये हमारा रहा रोटरी, जो भाई काफ़ी हैवी भाई लगा हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं वायरिंग भी लगी हुई है, ये स्प्रिंग। अगर भाई हम इसको चला के आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, मतलब वायरिंग भी ये घूमती है, जो वायरिंग लगी हुई आप देख सकते हैं ये भी घूमता रहता है। और भाई पावर बहुत ज़्यादा है, और तार वगैरह आप देख सकते हैं भाई, ये 15 mm का लगा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये 10 mm लगा हुआ है, इधर ये 10 है और इधर 15 लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, और हमारे यहाँ जब लाइट वगैरह, जब हम स्टेबलाइजर ऑन करते हैं तो एक ग्रीन जल जाएगा, अगर जब ऑटो कट कर देगा तो ये रेड जल जाएगा। तो ये रहा पूरा स्टेबलाइजर, हमने पूरा ओपन भाई अनबॉक्सिंग कर दिया है, आप अंदर से भी देख सकते हैं। अगर कोई मामला आपका फंसता है तो आप उससे भी चला सकते हैं। और ये देख सकते हैं ट्रांसफार्मर कैसे हुआ है, कितने तार ट्रांसफार्मर निकलते हैं, आइए गिनते हैं। ये हमारा भाई रहा फेस, फेस के लिए फेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तार निकले हुए हैं ट्रांसफार्मर से। अगर किसी भाई को बनवाना है तो आप हमारे पास कॉल करिए, मैं आपके लिए बनवा दूंगा। अगर आपको चेचिस भी यही चाहिए, जो चेचिस से आप दे सकते हैं, तो चेचिस भी आपको मैं दिला दूंगा भाई। इसमें हैंडल वगैरह नहीं है, तो इसलिए आप जब भी उठाना रहेगा इसको आप, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस इसको भाई ढक्कन को निकाल लेना है, आपकी हैंडल यही बन जाएगी, बस यहीं से आप उठा लीजिए। यही है भाई इसका हैंडल। और फ्रंट लुक भी आप दे सकते हैं, ट्रेन मॉडल बनी गई है भाई। बहुत से लोग भाई ये ट्रेन है क्या? नहीं भाई, स्टेबलाइजर है, ये ट्रेन वाली मॉडल है, ये इसे कह भी सकते हैं हम। और जिसको भी बनवाना है भाई, आप हमारे पास बेफिक्र होकर के कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, मैं आपको स्टेबलाइजर चाहिए स्टेबलाइजर भी दिला दूंगा आपको। मैं डायरेक्ट कॉपर में भाई बनेगा हमारे यहाँ, कॉपर जो बनता है भाई अच्छा रहता है। ये आप देख सकते हैं, ये रहा इनपुट, ये रहा हमारा आउटपुट। तो यहाँ से आपके करंट आता है, इससे करंट बाहर फेंकता है। और भाई आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं हमने इनपुट में तार कस दिया है, यहाँ पे बोर्ड पे लगा दिया है। तो आइए इसको हम ऑन करके दिखाते हैं। ये भाई ऑफ है 1 नंबर पे, इसको करते हैं ऑन, हो गया। अब इसको हम देखते हैं ऑटो कट इस नंबर पे कट करता है कितने बार, देखिए 240 300, ये आप देख सकते हैं, मतलब 250 पे भाई कट कर दे रहा है। ये देखिए ये आया,